अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी अबीरा और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, चैलेंज करूँ कोई या क्या करूँ। तो आज फाइनली मुझे समझ आ गया मैं किस मतलब कहाँ बनाऊँ। तो अभी मैं मौजूद हूँ फातिमा जिन्ना पार्क में, यू कैन सी द फ्लावर्स, आई एम सिटिंग एट पार्क। सो अभी मैं पार्क में हूँ, तो आज मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ, क्या है, और आपको पार्क भी दिखाऊंगी। कोशिश तो है कि मैं आप लोगों को पार्क भी दिखाऊं, बट देखते हैं, लेट्स सी। सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी खामोशी है, मतलब कि परिंदों की आवाज़ आएगी, व्हीकल्स की, यही आवाज़ें होंगी, बट मैं यहाँ पर अकेली बैठी हुई हूँ। कोई फैमिलीज़ आगे बैठी हुई हैं, कोई फैमिलीज़ इस तरफ आगे, बट मैं यहाँ पर अकेली बैठी हुई हूँ, मम्मी पापा के साथ आई थी। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा यहाँ पे, मतलब बहुत कम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, लाइक मैं आई हुई हूँ और एक दो बस फैमिली आई हुई है। लेट मी शो यू, एज यू गाइस कैन सी, लुक एट दिस, बहुत खामोशी है। आगे जाके बंदे कुछ बैठे होंगे, बट मेरी तरफ तो यहाँ पर बिल्कुल खामोशी है। वो मुझे फैमिली नज़र आ रही है अभी, एंड दिस फैमिली, बट मुझे कोई और फैमिली नहीं नज़र आई। और आप लोगों को धुंधला नज़र आ रहा होगा बिकॉज ऑफ माई कैमरा, क्योंकि पीछे कैमरा इसका ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। सो गाइस, मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि यहाँ पे कुछ कुछ फैमिलीज आई हुई हैं, तो मैं आपको यहाँ के फ्लावर्स दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, एंड आई विल शो यू गाइस। सो अब मैं आपको फ्लावर्स दिखाती हूँ इधर के, बहुत अच्छे हैं। एंड मैं यहाँ पे ज़्यादातर इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे फ्लावर्स अट्रैक्टिव लगते हैं इधर के। सो इधर के मतलब गार्ड्स हैं, तो वो बच्चों को तोड़ने भी नहीं देते फूल। अच्छी बात ये है कि फूल तोड़ते हैं तो फूल नज़रें भी नहीं आ रहे होते, बच्चे फिर तोड़ते जाते, तो यहाँ पे गार्ड्स होते हैं, इनकी सेफ्टी करते हैं। सो मैं आपको फ्लावर्स दिखाऊंगी। सो आपने पूरा व्लॉग देखना है, एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट कि आपने देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, एंड लाइक करना है, ओके। और अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो कर लें, बट मैं बस ये कहती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें एंड मुझे लाइक करें, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं अभी से ही आगे बढ़ूँ तो आप लोग का प्यार मुझे मिले, बस मैं ये चाहती हूँ। एंड आपको मैं यहाँ के ना डक्स भी दिखाऊंगी, मतलब डक्स नहीं है, गूज आई थिंक, तो मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी। गाइस, मैंने आपको एक्चुअली बताया था कि मेरा कैमरा ख़राब हुआ है, एंड लुक एट दिस, ये है जी गूज। हेलो गूज, हेलो। ये यहाँ पे घूम रही है। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी फ्लावर्स, शायद मैं बाद में दिखाऊँ यहाँ क्या, आप लोग वेट कर रहे होंगे। सो मैं कह रही थी मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगी एंट्रेंस से सब कुछ, के यहाँ से फ्लावर्स हैं, यहाँ पे झूले हैं बच्चों के लिए लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा पार्क है ये, मलिकगंज का सबसे बड़ा पार्क है फातिमा जिन्ना पार्क। सो मैं कहती हूँ आप लोग भी विज़िट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे सुकून, हम लोग को सुकून वाली जगह मिले, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर अगर रश भी हुई ना, तो आप लोग को बहुत सुकून मिलेगा, आप बस नेचर देखेंगे, नेचर नेचर बस। सो मैं आपको फ्लावर्स दिखाऊंगी, एंड मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ये परेशान ना होइएगा। सो गाइस, मैं अभी आप लोग को एंट्रेंस तक जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे ज़रूर दिखाना है, आप लोगों को विज़िट भी तो कराऊँ। सो उधर पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। आवाज़ मेरी थोड़ी कम आ रही होगी बिकॉज मेरा गला ख़राब है, एंड यहाँ पे मतलब यहाँ पे लोग भी नहीं है, मैं शर्मा भी नहीं रही क्योंकि मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रही। एंड जब पेरेंट्स आते हैं उनके सामने तो और शर्म आती है मुझे। सो अभी मैं जा रही हूँ एंट्रेंस तक, और मैं आपको बस ये बताना था कि मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो वॉल्यूम कुछ तेज कर लेगा या कुछ कर लेगा, ठीक है। एंड सो गाइस, मेरा कैमरा ख़राब है। सो यहाँ का ये एंट्रेंस है, ये इस तरीके का पार्क है, ठीक है, इस तरीके का पार्क है।
मैं आपको फ्लावर्स सारे दिखाऊंगी, अभी तो ऐसे ही है। ठीक है गाइस, यहाँ से ये एंट्रेंस है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है बहुत बड़ा फातिमा जिन्ना पार्क का। सो सामने ही लाइब्रेरी है एंड सामने ही ग्रीजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उस तरफ। सो यहाँ पर से हम लोग एंटर होते हैं एंड सीधा आते हैं तो ये हमारे पास सामने आता है। ठीक है, इसके बाद इस तरीके का है पार्क लाइक दिस। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये फ्लावर्स हैं, ये उसके फ्लावर्स हैं। यहाँ पे फ्लावर फेस्टिवल हुआ था तो ये उसके फ्लावर्स लगे हुए। एंड आप लोगों को गौर करके दिखाऊं तो ये हार्ट शेप बनी हुई है लाइक दिस। एंड ये फूल रियल में फ्लावर्स इतने अच्छे लग रहे हैं रियल में सामने, बट इधर थोड़े से लग रहे हैं एंड रियल में बहुत अच्छे हैं। सो आप लोग को भी ज़रूर आना चाहिए इधर। फिर यहाँ से सीधा आते हैं तो यहाँ पे ये है ऐसे एंट्रेंस है, मैं उस तरफ बैठी हुई थी उस तरफ। सो ये हैं ये फ्लावर्स, बहुत खूबसूरत है, कैमरे में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे बट ये मैं आपको कैसे बताऊं, दीज आर सुपर सुपर डुपर वाओ, बहुत प्यारे हैं। मैं इसलिए आपको ऐसे दिखा रही हूँ, अगर मैं ऐसे से दिखाऊं तो वो वाले उस तरफ के फ्लावर्स जा रहे हैं, सो इसलिए। एंड ये है, ठीक है, यहाँ का मतलब आगे आते आते मैं यहाँ तक आई हूँ। सो यहाँ पे ये गोल सा है, अगर उस तरफ एक गेट है, एक उस तरफ गेट है और एक ये है, तीन गेट हैं फातिमा जिन्ना के। मेन गेट वो वाला है, देन आप यहाँ पे आ सकते हैं। देन ये है, ये बहुत प्यारे लगते हैं फ्लावर्स मुझे। आगे फिर बच्चों के झूले हैं, फिर ये वगैरह ऐसे। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि बच्चे बोर हो रहे हैं, बड़ों को सुकून चाहिए हो तो बड़े यहाँ पे आएँ, फिर वो बच्चे परेशान हो रहे हों तो इसलिए उनके लिए भी जगह है। वो उधर बहुत सारे झूले हैं तो वो लोग वहाँ पे झूल सकते हैं। एंड दीज आर फ्लावर्स, इस तरफ भी दो झूले तो हैं बट आई थिंक दीज आर ब्रोकन डाउन, आई थिंक सो। सो मुझे कंफर्म नहीं पता ये सही सलामत हैं कि बच्चे ले सकते हैं या नहीं। सो बाकी मैं आपको बाद में दिखाती रहती हूँ कि क्या सूरत हाल है। सो स्टे ट्यून्ड। 2000 years later। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ नाहिद सुपर मार्केट, अभी चीज़ें लेने। मेरी मम्मा आ गए हैं इसलिए मैं इस तरह शर्मा रही हूँ, आज तक पूरी हूँ। सो मैं जा रही हूँ अभी नाहिद सुपर मार्केट में, आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेती हूँ। सो मेरे साथ रहना आपने, और मैंने आपको बोला है कि आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस चीज़ों को ना भूलेगा। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा। ओके।